ब्यूटी पार्लर के नाम पर एक और बड़ी सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में दो धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। खबर पूर्णिया से है, जहां सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामबाग रेलवे लाइन के पास ब्यूटी पार्लर के नाम पर सेक्स रैकेट में संलिप्त एक पुरुष और तीन महिलाओं को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस सभी आरोपी को थाना लाकर गहन पूछताछ कर रही है। आपको बताएं कि सदर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि किसी लड़की ने फोन पर सूचना दी कि उसके साथ जबरन देह व्यापार हो रहा है। सूचना मिलते ही जब बताए गए घर में छापेमारी की गई तो पुलिस के देखकर होश उड़ गए। एक कमरे में दो लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए थे और आपत्तिजनक हालत में गलत करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया। दोनों लड़की पश्चिम बंगाल के वर्धमान की रहने वाली बताई जा रही है। साथ ही उन लड़कियों ने पुलिस को बताया है कि आसिफ की पत्नी ने उन लोगों को ब्यूटी पार्लर में नौकरी देने के बहाने 3 महीने पहले पूर्णिया उन्हें लाया गया था, लेकिन नौकरी के बहाने जबरन देह व्यापार करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करता था। एक लड़की ने जैसे तैसे हाथ खोल लिया और थानाध्यक्ष को फोन कर सारी आपबीती सुनाई। छापेमारी के बाद सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बताएं कि पूर्णिया के रहने वाले आसिफ जरदारी और उनकी पत्नी रामबाग में ब्यूटी पार्लर चलाती है। आसिफ की पत्नी बंगाल जाकर लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर बहला फुसला कर पूर्णिया लाती है और उन लोगों से जबरन देह व्यापार का धंधा करवाती है। पुलिस ने आसिफ के आवास से प्रतिबंधित नशीले कोडिन और वियाग्रा के कई टैबलेट और अन्य कई प्रकार के आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आसिफ के कार को भी बरामद किया है, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गहन जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ब्यूटी पार्लर के आड़ में इस तरीके से देह व्यापार का धंधा अपने आप में बड़ा सवाल है। कशिश न्यूज की रिपोर्ट।